तो होटल से सब सामान पैक कर लिया हम लोगों ने। ये एडवेंचर बाइक पे बैठने की जो फील है ना भाई ब्रोस, ये फील जो है ना फील वही सब कुछ है। बाइक ठंडी हो चुकी है ना इसीलिए बंद हो रही है। चलो चलो आप आओ तो फोर्ट पे निकलते हैं अभी। अरे जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो गाय माता जी जाने दो। कबूतर देखो कबूतर कुछ ज़्यादा ही है। वाह 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 गोल्डन सिटी जैसलमेर और ये जैसलमेर फोर्ट सही व्यू है। वाह वाह सही व्यू है। रंगीला राजस्थान राइड के डे 5 में आपका स्वागत है। वेरी कोल्ड गुड मॉर्निंग फ्रॉम जैसलमेर द गोल्डन सिटी ऑफ राजस्थान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोलिंग पीस पीस ब्रोस पीस। और अभी बज रहे हैं 9:30। आज हम लोग निकलने वाले हैं सम सैंड ड्यून्स के लिए और एक्सप्लोर करेंगे लोंगे वाला बॉर्डर, तनोतमरा टेम्पल और कुलधारा विलेज। सो स्टे ट्यून्स। और यहाँ पे सुबह सुबह में ड्रोन शॉट लेने के लिए बहुत ही ठंडी में 8 से 9 डिग्री में आपका ब्रो उठ के आ गया है। यहाँ पे 9 बजे यहाँ पे हूँ यानी कि 6 से 7 बजे मुझे उठना पड़ा था। लिटरली ये करके दिखाओ जैसलमेर की ठंडी में नहा के दिखाओ और जैसलमेर की ठंडी में 8 डिग्रीज में टॉयलेट सीट पे बैठ के दिखाओ। बहुत सारे कबूतर उड़ रहे हैं यहाँ पे और आपको मालूम ही है ड्रोन पे अटैक कर देते हैं कबूतर। तो लेट्स सी क्या करते हैं, अच्छा ड्रोन शॉट आए ऐसी दुआ करना। और दुआ के अलावा आप अभी क्या कर भी सकते हो, वीडियो देखते रहना और क्या। सॉरी गाइस इतनी मशक्कत की ड्रोन शॉट लेने के लिए सुबह सुबह में इतनी मेहनत की ठंडी में उठ के, लेकिन जैसे ही मैं ड्रोन फ्लाई कर रहा हूँ कबूतर घुस रहे हैं ड्रोन में। सो ड्रोन शॉट तो नहीं ले पाऊँगा बट अभी क्या कर सकते हैं। डैम मैन बी रोल्स देख लो आप। बहुत ही क्लाउडी क्लाउडी वेदर है राजस्थान का आज। और चाय और ये कबूतर देखो देखो दिख रहे कबूतर आपको दिख रहे, ये देखो दूसरा आया कबूतर। ये कबूतर राजस्थान में इतने ज़्यादा क्यों हैं, चलो छोड़ो जितनी दुनिया हमारी है ना उतनी उनकी भी है तो क्या ही कर सकते हैं। तनोत माता मंदिर जाना है भैया। 2 hours 28 minutes का रूट है और 123 किलोमीटर है। अगर तनोट के आगे परमिशन मिल रही है तो गाड़ी हायर करके वहाँ पे जाना पड़ेगा, बाइक पे नहीं जा पाएंगे हम लोग। और सभी एक्साइटमेंट में सिर्फ चाय ही पी है मैंने, नाश्ता नहीं किया है कुछ भी। और ठाकुर साहब मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बिना जैसलमेर की गलियों में कैसा फील कर रहे हो? कमजोर बट एक्साइटेड। वाह 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 गोल्डन सिटी जैसलमेर की बात कुछ और है भाई। ये कबूतर जिन लोगों ने ड्रोन नहीं उड़ने दिया। ठाकुर साहब ये आपके रजवाड़े राजा रजवाड़े में इतने कबूतर क्यों रहते हैं आसपास? क्योंकि हम पहले हमारे पास वो मोबाइल नहीं था ना तो कबूतर से वो चिट्ठियां भेजते थे तो। लेकिन अब तो मोबाइल आ गए ना, लेकिन इन लोग को उड़ा छोड़ी देते भाई, ऐसा नहीं करते। तो यार कुछ तो सोल्यूशन निकालो फिर, हम लोग ड्रोन नहीं उड़ाए क्या? मेरे सब पीस ब्रोस ड्रोन शॉट देखने के लिए कितने बेसब्र रहे थे मालूम है आपको? हाँ वो सही है आपकी बात, बट अभी यहाँ पे ये मिलिट्री वाला है ना मिलिट्री स्टेशन तो यार नजदीक में कुछ प्रॉब्लम हो जाए इसकी वजह से ड्रोन वैसे उठना भी नहीं चाहिए। हाँ वो तो है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। हाँ। और देखो यहाँ से व्यू देखो फोर्ट का भाई साहब। ठीक है ठाकुर साहब ठीक है, हुकुम सर आंखों पर, व्हील थ्रू करवाना है। अगर हैंडल बार छोड़ देंगे क्रूज पे तो हैंडल बार वॉबलिंग नहीं मारना चाहिए, अगर वॉबल मारता है तो आपके बाइक की रिम को व्हील थ्रू करवाना है, ठीक है ना? ओके आभार सा आभार। अरे टेम्पो बाइक को ना करे चंपा ले क्या? अभी वेदर में थोड़ा फॉग है, फॉग चल रहा है ना तो उसकी वजह से दूर तक का व्यू नहीं दिख रहा है, विंड फ्लो भी कम है तो इसीलिए बहुत सारे विंड मिल्स अटकी पड़ी हुए भाई। मतलब भाई बोलो भाई हेलो हेलो।
और बीच में ऐसा ऐसा ऑफ रोडिंग भी आएगा ठाकुर साहब। हिमालयन रोड बोलते हैं, हिमालयन रोड बोलते हैं। And once again, we are going through Himalayan roads. वाह भाई वाह, डस्टी हिमालयन रोड है भाई। यस, बहुत सारा धूल उड़ा रहा है। देखना भाई ट्रक है, संभाल के। दस बारह डिग्री टेम्परेचर हिमालयन रोड्स पे अपनी हिमालयन, और ठाकुर साहब के साथ आपका पीस ब्रो बाइक राइड करते हुए। क्लाउडी वेदर है ना, इसीलिए इतना ठंड लग रहा है। बाकी अगर सूरज रहता ना थोड़ा तो नहीं रहता इतना, थोड़ा कोसी कोसी तो रहता ही यार, राइड करने में ज़्यादा मज़ा आता। बट अपन तो, हम सब ब्रो जो है ना वो प्रो है ना, तो कैसे भी करके ठंडी में भी मज़े तो ले ही लेंगे ना। और बाकी मज़ा कसर ये अपना हिमालयन पूरी कर देता है भाई। ओके, सो रामगढ़ के पहले 3 किलोमीटर पहले रिफिलिंग के लिए ब्रेक लिया हम लोगों ने। ओके भाई, थैंक यू वेरी मच। ओके सो गाइस, परमिशन का सेटिंग हो गया है तनोट माता से आगे बॉर्डर का, और तनोट माता से ही टैक्सी मिल जाएगी अपने को। कितने का हुआ भैया अपना? 690। सो आज के एक्सपेंस में 690 जोड़ दिया जाए रिफ्यूलिंग का। वाओ मैन, क्या सुगत का व्यू मैन, क्या हो रहा है भाई? गधे गधे और बैल की रेस लग गई है भाई। ये क्या है? ओ भाई, निकलो 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 भाई, अपन को भी ले डालेंगे ये लोग। तनोट है यहाँ से 14 किलोमीटर, और लौंगे वाला कितना था भाई? देखा नहीं मैंने। 52। जहर, कतई जहर रास्ता था। बाइक राइड करने में भी काफी मजा आ रहा था। और एज यू कैन सी, यहाँ पे तनोट माता टेम्पल के पास हम लोग खड़े हैं गेट के पास। अभी एक बंदा आएगा हम लोगों को लेने के लिए, और कार में हम लोग सीधे जाने वाले हैं बॉर्डर्स पे। सो स्टे ट्यून एंड कीप रोलिंग विद पीस ब्रो। बाय। कैसा रास्ता, कैसा था आज? लेकिन ये रास्ता कवर क्यों नहीं किया? बहुत ही सही रास्ता था, व्यू काफी कतई जहर वाला व्यू था। लुक एट द व्यू मैन वाला। तो चलो भी बाइक को यहाँ पे कहीं पे सेट कर लेते हैं और सीधे निकलते हैं बॉर्डर पे। तनोट माता मंदिर से आगे 16 किलोमीटर पे इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है। यहाँ पे ये जो फेंसिंग दिख रही है, इस तरफ है इंडिया, उस तरफ है पाकिस्तान, और यही जो बॉर्डर है ये सेम फेंसिंग जाती है सीधे जम्मू तक, और इस तरफ वहाँ पे गुजरात की ओर जाएगी, और बहुत ही कम पब्लिक यहाँ पे आ सकता है। कैसे तैसे करके परमिशन का जुगाड़ करके हम लोग यहाँ पे आ गए। अपने जवान यहाँ पे खड़े रहते हैं, बहुत टाइट सिक्योरिटी है, और सिक्योरिटी रीजन की वजह से ही पीछे का सब मैं वीडियो कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ। और ये मदन भाई हमें लेके यहाँ पे आए हैं। थैंक यू मदन भाई, ऐसा कर दो प्लीज। यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी पे ऐसा है कि हमारे जवान हर रोज यहाँ से निकलते हैं, हर रोज खड़े रहते हैं, लेकिन सामने की ओर हमने अभी तक तो कोई देखा नहीं। हम लोग करीब 1 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं, फिर भी ऐसा है कि हमारे जवान बोल रहे हैं कि वो 2 दिन में एक दफा दिखेंगे। ऐसा इंडियन इंडियंस है ना भाई, ठंड है काफ़ी। इस ठंड में अपने जवान दिन रात यहाँ पे पहरा देते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, ताकि अपन लोग चैन से सो पाए।
only waste of the friends and worst of the enemies visitors. तो गाइस ये है तनोत माता टेंपल और यहाँ की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। करीबन 3000 बम यहाँ पे फेंके गए थे जिसमें से 1450 बम फूटे नहीं थे। उस हिसाब से बॉर्डर सिक्योरिटी ने हमारे माता जी ने हमारी रक्षा की थी। उस हिसाब से बोले तनोत मात की जय। ब्रोस सुबह से जैसलमेर से तनोत का डिस्टेंस था 122 किलोमीटर और अभी लोंगे वाला यहाँ से 50 किलोमीटर है। 50 मिनट का रास्ता है, बहुत ही स्मूथ रोड है। लेकिन ऐसे बैल बकरियां भेड़ बीच में आते रहेंगे तो फुल्ली अटेंशन के साथ राइड करना पड़ेगा। और सेफ एंड साउंड पहुंचते हैं लोंगे वाला। चलो लोंगे वाला। मारो मुझे भाई। ये क्या है भाई, क्या ही है ये भाई। ठाकुर साहब जन्नत है ये, जन्नत। सो राइट नाउ वी आर एट लोंगेवाला वॉर मेमोरियल। अगर आपने बॉर्डर मूवी देखा है तो उसमें जो वॉर दिखाया गया है वो लोकेशन ये था। यहाँ पे पाकिस्तान की बहुत बड़ी आर्मी ने हमला कर दिया था तो तभी इंडियन आर्मी ने उनको हरा दिया और बहुत सारे सोल्जर्स का सेक्रीफाइस देके ये वॉर जीता था। मैंने कुछ बीरोल्स रिकॉर्ड किए हैं और कुछ वीडियोस लिए हैं, वो देख लो, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये कुछ टैंक्स और व्हीकल्स है पाकिस्तान आर्मी के जो इंडियन आर्मी ने ऑलरेडी डिस्ट्रॉय करके वहाँ पे ही छोड़ दिए थे। 179 सोल्जर्स, 37 टैंक्स और 138 व्हीकल्स पाकिस्तान आर्मी के। सैल्यूट टू ईच एंड एवरी सोल्जर्स जिन्होंने सेक्रीफाइस किया और जो डटे रहे यहाँ पे। एज यू कैन सी अपने केयूर भाई, इनकी मास्टरी है नए नए पोज देने में। देखो अभी क्या पोज दे के, स्माइल देखो, लौंडे की स्माइल देखो, वाह वाह वाह। ओके सो गाइस अभी निकलते हैं सैंड ड्यून्स के लिए। सैंड ड्यून्स यहाँ से 120 किलोमीटर के अराउंड है, दो ढाई घंटे और लग ही जाने हैं। टेम्परेचर भी काफ़ी कम है, ठंड लग रही है अभी से ही, तो रात तक तो बैंड बजने वाली है। लेकिन फिर भी कैसे तैसे करके पहुँच जाएंगे, ठंड में राइड के मजा लेंगे। ओके ओके थैंक यू, जय हिंद सर। बोलिए कसम भाई, कैसे हो? थैंक यू गॉड सही सलामत पहुंचाने के लिए, थैंक यू वेरी मच। हम लोगों ने सैंड ड्यून्स में चेक इन कर लिया है और जो रोड्स थे पूरे दिन में, जो रोड्स थे देसी दुबई है ये अपना जैसलमेर, सारी और सैंड ड्यून्स रेत, उसके बीच में हम लोग राइड कर रहे थे। 240 किलोमीटर हम लोगों ने राइड किया है जैसलमेर से। रोड्स पे हम लोगों की हिमालयन 100, 120 की स्पीड पे जा रही थी और बीच में एक दो हिरन, एक्चुअली मेरी बाइक के आगे दो हिरन आ गए थे। अभी गोप्रो में कैप्चर नहीं हुआ है लेकिन आस्तिक भाई ने अपनी आंखों से देखा है। ठाकुर साहब बता दो आप क्या हुआ था? फर्स्ट वाला हिरन वो फ्रंट व्हील पे आ गया था और सेकंड वाला रियर पे, लेकिन फिर भी निकल गए। हाँ, और हादसा वैसा हुआ नहीं, हादसा हुआ नहीं एक्चुअली। फर्स्ट वाला जो हिरन था ना वो मेरे बिल्कुल आगे से निकल गया और दूसरा वाला जो हिरन था ना उसने एबीएस के साथ ब्रेक मार ली थी। ऐसा हुआ ना, गाड़ी में एबीएस नहीं थी लेकिन हिरन में एबीएस था। फिर भी हो गया कंप्लीट और आई गेस 9 से 10 बजे के बीच हम लोगों ने यहाँ पे चेक इन कर लिया था। और बाइकर्स का जो हाल रहता है
इतने थक जाते थे हम लोग पूरी ठंडी में राइड करके, फिर भी आपने देख ही लिया कि अगर डांस करना मिल जाए तो कैसे ये सब डांस कर रहे हुए बहुत ही मज़ा आया है। यहाँ पे मतलब पूरा वो डीजे का सेटअप हो रखा था तो वहाँ पे हम लोगों ने डांस भी किया और अभी डिनर करने वाले हैं। और हाँ, कल हम लोग पूरा सम सैंड ड्यून्स ड्रोन शॉट्स के साथ एक्सप्लोर करने वाले हैं। कासम भाई के साथ बात हो गई है, जो जीप सफारी है, कैमल राइड है, सभी ड्रोन से कवर करेंगे। और हाँ गाइस, अगर एक्सपेंस की बात करते हैं, डेजर्ट में जो स्टे है हम लोगों का, कॉटेजेस जो लिए है, वो 2000 रुपए पर डे है, 700 रुपीज फॉर रिफ्यूलिंग, 200 रुपीज एज अ टैक्सी चार्ज फॉर विजिटिंग बॉर्डर एंड 100 रुपीज फॉर ब्रेकफास्ट। टोटल हो रहा है 2800-3000 के अराउंड। ओके, सो दैट्स इट, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, keep rolling, keep peace. This is the future. और बहुत ही कम पब्लिक यहाँ पे आ सकता है, कैसे तैसे करके बरौनी। और अगर ठंडी की बात करें तो यहाँ पे 7 डिग्री के अराउंड टेम्परेचर है। इन लोगों को देख लो ये कैसे हाल, बर्फबारी का देखिए, इनको ठंड लग ही नहीं रही है। इनको ठंड नहीं लग रही है भाई, ठंड क्यों नहीं लग रही है आपको? महादेव के भक्त। इनको देख के समझ लेना बाहर क्या टेम्परेचर होके रखा है। ये चंपक चाचा को देख लो, फिर भी उंगली उठा के रोलिंग पीस कर रहा है। पीस ब्रो।